अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A2Z पर। दोस्तों, आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हमारे केस की सुनवाई तो शुरू हो चुकी है, तो उस पर क्या फैसला आया है। तो दोस्तों, आज हमारे केस की सुनवाई भी हुई और सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से जो वकील आए थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से केस की पैरवी की है, बहुत अच्छे तरीके से केस को कोर्ट जज के सामने रखा है और आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वैसे बुरी खबर नहीं है, बड़ी खबर ज़रूर है कि आज कोई फैसला नहीं दिया गया है केस में, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमें कोई बहुत ज़्यादा आगे की डेट नहीं मिली है, कल की डेट मिली है और कल दोपहर 2 बजे के बाद से ये केस फिर से रिज्यूम किया जाएगा। मतलब कल 2 बजे से आज जहाँ पर ख़त्म हुआ है बहस वहीं से चालू होगी। तो कल पूरी उम्मीद है कि स्टे हट जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव रहा है आज का पूरा दिन। हमारे केस का नंबर भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट से 2 नए वकील भी आए हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से केस को हैंडल किया है। अब बस ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों का। जुलाई के महीने में हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा और कट ऑफ भी आ जाएगी। तो दोस्तों, कल दोपहर 3 या 4 बजे तक का इंतज़ार कीजिए, तब तक तस्वीर एकदम साफ़ हो जाएगी, सुनवाई भी पूरी हो जाएगी कल। अब ये चिंता नहीं है कि हमारा केस किस लिस्ट में है, सप्लीमेंट्री है या मेन केस में है, बल्कि कल सुनवाई हमारे केस की 2 बजे के बाद से शेड्यूल कर दी गई है। तो कल हर हाल में 2 बजे के बाद हमारा केस सुना जाएगा और पूरा इस पर कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा, इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। हमारी तरफ से 3-4 वकील कोर्ट में मौजूद हैं, मेघना जी भी मौजूद हैं, बहुत से रीट के साथी भी हज़ारों की संख्या में हैं और उपेन यादव जी भी हैं। तो दोस्तों, इतने लोगों का प्रयास और इतने लोगों की दुआएं बेकार नहीं जाएगी, हमारा रिजल्ट ज़रूर आएगा। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी स्टे हटे तो सबसे पहले इसकी न्यूज़ आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।